दर्शकों नमस्कार। शरीर में किसी की अंग में रोग हो या कहीं छोटे से छोटा भी हमें दोष आए तो हमारा शरीर पूरा अस्वस्थ हो जाता है, उसमें हमें कष्ट होता है और पूरे शरीर पे दुष्प्रभावित डालता है। लेकिन कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ पे अगर हमें दोषपूर्ण आता, उसमें कोई त्रुटि आती है या उसमें वो रोगी हो जाता है तो हमें ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, हमारी आँख ही है, दृष्टि है देखने की। अगर हमारे आँख में रोशनी चली जाए, कम हो जाए, तो हमारे लिए बहुत बाधा आती है शरीर को संचालन करने के लिए या शरीर के इससे कर्म इंद्रियों को पूरे का पूरा जो अपना सही काम करती हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, जो आँखों की रोशनी है इसको हम कैसे पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाकर रखें आँखों को, रोशनी जो है हमें पूरे जीवन भर मिलती रहे और हम देखते रहें। लेकिन आजकल ये देखा गया बहुत बड़ी समस्या है कि आँखों की रोशनी सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं, उम्र से पहले ही बच्चों में भी वो कम होती जा रही है और उनको भी चश्मों का प्रयोग करना पड़ता है। आइए इसके बारे में जानते हैं, ये रोशनी क्यों कम हो रही है और अगर कम हो गई है इसका क्या उपचार है और उपचार करने के बाद हम इसको किस प्रकार स्थिर रख सकते हैं पूरे आजीवन के लिए। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर लोतिका भारती जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, जब जैसे देखा जाए कि वैसे तो कोई भी रोग जो है अच्छा नहीं है शरीर के लिए, हर एक कष्टदायक है और कष्टपूर्ण ही होता है। लेकिन जैसे आँखों की बात करें, आँखों की रोशनी आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बड़ों के लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी। इसके जिसे नेत्र ज्योति कहा जाता है, ये नेत्र ज्योति तो किस प्रकार कम होती है, उम्र के हिसाब से कम होती है या हमारे कोई गलत आदतों के साथ कम होती है? देखिए, आप नेत्र ज्योति की बात कर रहे हैं ना, आपने अभी जैसे कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है जी, तो मैं आपको बताऊंगी। आयुर्वेद में ये कहा गया है चक्षु रक्षायाम, सबसे पहले अपनी आंखों की रक्षा करो, सारे शरीर को छोड़ो चाहे, सबसे पहले अपनी आंखों की रक्षा करो। क्यों? आंखें हैं तो आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ फील कर सकते हो, देख पाओगे तभी ज्ञान हो पाएगा। इसलिए आंखों की रक्षा सबसे पहले जरूरी है। अब आप बात कर रहे थे कि नेत्र की ज्योति कम क्यों हो जाती है, उम्र के हिसाब से आयु बढ़ने से कम होती है? देखिए, कई कारण होते हैं। ऐसा भी है कि कुछ चीजें हैं जैसे मोतियाबिंद है तो वो कुछ उम्र के हिसाब से होता है, कुछ हमारी आंखों की डिजीजेज हैं जो कि उम्र के हिसाब से होती है और कुछ हैं जो वैसे भी हो जाती हैं। अब चश्मे का नंबर उम्र के हिसाब से भी लगता है लेकिन कई बच्चों को भी लग जाता है। कुछ चीजें हैं जो बच्चों में होती हैं, कुछ चीजें हैं जो बड़ों में ही होती हैं। नहीं, एक हमें जो बताइए कि जो नेत्र ज्योति कम होती है, ये नेत्र रोग के कारण कम होती है, कोई रोग हो तो उसका भी कोई इस पे दुष्प्रभाव पड़ता है या ये स्वयं में ऐसे ही नेत्र ज्योति कम होना है, इसको होना है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ये कम होना ही होना है। आप बड़ी बार देखोगे कि बहुत से बूढ़े लोग जो है उनकी दूर की नजर भी बिल्कुल ठीक होती है और पास की नजर भी बिल्कुल ठीक होती है, जबकि ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है कि 40 की उम्र के बाद नजदीक की नजर कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग हमारे पास आते हैं, वो नजदीक में भी अच्छे से पढ़ पाते हैं लेकिन ये रेशो बहुत कम है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये उम्र के हिसाब से होना है। ये हमारे लेंस के कुछ फाइबर्स होते हैं, हमारी आंख के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको उम्र के हिसाब से डिजनरेट होना ही होना है। तो जब वो ऐसा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से नजदीक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बुजुर्गों की जो रोशनी है आंखों की, कई बार ऐसा होता है कि उनको पूरा वो पास की भी रहती है, क्या इसका कोई राज है? अगर है तो सब दर्शकों को बता दीजिए कि वो भी बुजुर्ग होने तक भी अपनी रोशनी ऐसे ही रखें। देखिए, ये एजिंग का प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन बड़ी सारी एंटी एजिंग चीजें होती हैं। जैसे आजकल कितने एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एजिंग चीजें चल रही हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी ना, वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं कहूंगी आंखों के संदर्भ में, मैं कहूंगी वन आंवला अ डे कीप्स अवे आई डिजीजेस फ्रॉम यू। अगर आप डेली एक आंवला खाते हैं ना, अगर आप खाली पेट एक आंवला कंज्यूम करते हैं डेली, तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला को बहुत अच्छा बताया गया आंखों के लिए। डॉक्टर साहब, आंवले का बहुत महत्व बताया, बहुत गुणगान किया गया है आयुर्वेद में, इसके कारण क्या क्या ऐसे गुण है इसमें? देखिए, आंवला जो है ना, अगर वैसे बोलूं तो आंवला जो है इट इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन सी। विटामिन सी रिच होता है, आंखों के लिए विटामिन ए विटामिन सी ये बहुत जरूरी होता है। तो अगर उस तरीके से हम उसको ज्यूडिशियली अगर हम इसे यूज करते हैं आंवले को, तो वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर एक औषधि आप बोलोगे तो मैं कहूंगी आप डेली एक आंवला खाओ, आप बच सकते हो। और वो सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं, आपके शरीर की जितनी भी डिजनरेटिव या
एजिंग प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको बचा सकता है, वो एक अच्छा इसका एंटीऑक्सीडेंट सेवन है। करने का विधि बता दीजिए थोड़ा सा, किस प्रकार की है आप सेवन इसका? देखें, आप डेली आंवला अगर आप चूस सकते हैं, अगर ये आप खाली आंवला पेट वैसे खाना खा या किसी सकते हैं, समय खाली खा पेट, सकते हैं? खाली पेट एक जी रसायन है ये। जी अभी आपने एक अष्टांग आयुर्वेद में बात की, अष्टांग आयुर्वेद में रसायन एक ब्रांच है, जी जी तो रसायन ये रसायन एक बेस्ट रसायन माना जाता है जी आंवले जी को, कि आंवले का अगर नित्य सेवन किया जाए तो वो बहुत अच्छा रसायन है। जी जी अगर आप सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, लेकिन कुछ लोग खट्टा नहीं खा सकते, कुछ लोगों को नहीं, दांतों में जी जी दंतहर्ष रहता है, जी जी सेंसिटिविटी रहती है, वो नहीं खा सकते, तो वो नहीं खा सकते, वो आंवला खा सकते हैं। मुरब्बा खा सकते हैं हाँ, इसका? आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, जी वो जी मीठा करके उसको आंवले का मुरब्बे की फॉर्म में खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, जी जी लेकिन फिर भी आंवला एज सच खाना सबसे ज्यादा लाभदायक है। डॉक्टर साहब, नेत्रों के कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए और जानकारी हमें होनी चाहिए? देखो, आयुर्वेद में नेत्रों के 76 डिसऑर्डर्स की बात की गई जी है, उसको भी फर्दर, जैसे वात पित्त कफ है तो वात पित्त कफ रक्तज ऐसे रोगों के बारे में बताया गया है। जी लेकिन कुछ जनरल प्रॉब्लम्स मैं आपसे बताऊंगी, जैसे जी आजकल ज्यादा, अभी आपने कोविड के दौरान ही देखा, कोविड के दौरान स्कूल्स बंद हो गए जी और सब कुछ ऑनलाइन चलना शुरू हो गया, जी इतना डिजिटल मीडिया जो पहले नहीं होता था अब जी यूज होना शुरू हो गया। जी जी पहले चश्मे कहाँ होते थे, पहले लोग चश्मे बहुत रेयर पहनते थे, जी लेकिन जी आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए जी हैं। जी जी क्यों? क्योंकि हम साइंटिफिकली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल मीडिया के बहुत करीब जा रहे हैं, जी जी उस वजह से क्या हो रहा है, चश्मे भी जल्दी लग रहे हैं। तो आप क्या कुछ ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद में बताई गई हैं जिनका आप सेवन करते हैं, जिन नियमों का आप पालन करते हैं, जी वो जी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जी जी जैसे अगर नियमों की बात करूं, तो जैसे सुरमा लगाया जाता था पहले, जी आजकल उसको कॉस्मेटिकली बता दिया कि ये कॉस्मेटिक की चीज है, बट सुंदरता नहीं, बढ़ाने के लिए? सुंदरता बढ़ाने के जी लिए, जी लेकिन नहीं, वो सुरमा नहीं जो हमारे घर पे दादी नानी सुरमा बनाती हैं, वो सुरमा अगर आप डेली उसका इस्तेमाल करते हैं तो आंखें बहुत स्वस्थ रहती हैं, अच्छी रहती बाजार हैं। का सुरमा और जो घर में सुरमा बनता है उसमें क्या अंतर है? अंतर होता ही क्या? है, जो बाहर हमें मिलता है दैट इज केमिकल ओरिएंटेड ना, जी वो जी केमिकल जी से जी बनाया जाता है, वो आंखों के लिए इतना अच्छा नहीं है। अभी तो बहुत हर्बल भी आने लग गए हैं, लेकिन फिर भी वो केमिकल्स ही होते हैं, वो जी जी बिल्कुल उस जी तरीके से जी नहीं बने होते, लेकिन जो घर का सुरमा होता है वो बेस्ट होता है, हमें वो यूज करना चाहिए। जी जी सुरमे ठीक के साथ मैं आपको बोलूंगी कि कुछ चीजें हैं जिनका दर्शकों को जानना भी बड़ा जरूरी है, एक नॉर्मल बंदे को ये चीज पता होनी चाहिए। आप जी डेली रात को नाक में ऑयल लगाएं, जी सोने से पहले अपने पाँव के तलवों की मालिश करें। जी ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपने पाँव की रक्षा करते हैं, अगर अपने पाँव को स्वस्थ रखते हैं, आपकी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। आप अपने पाँव की मालिश करें, नाक में तेल लगाएं, रात को अगर सुरमा लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, सुबह सुरमा लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। अपने खाने में कुछ ऐसी चीजें ऐड करें अपनी डाइट में जो कि जी विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन रिच हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आंवला बोला, त्रिफला का सेवन आप कर सकते हैं, शतावरी है, त्रिफला क्या अश्वगंधा होता है, है। इसमें क्या क्या चीज पड़ती है? वो त्रिफला का दर्शकों को बता दीजिए। त्रिफला में तीन चीजें आती जी हैं, जी आंवला आता है, बहेड़ा आता है और हरड़ आती है। हर अगर से आप कॉम्बिनेशन, आजकल फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, जी जी त्रिफला का पाउडर मिलता है, त्रिफला टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है, अगर आप उसका भी डेली सेवन करते हैं वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। हरे जी जी पत्ते की जितनी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां जो आती हैं, जैसे पालक है, जी वो सब बहुत अच्छा है। जैसे लाल पीले जो फल रहते हैं वो आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे पॉमग्रेनेट हो गया, अनार, गाजर, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बेरीज बहुत अच्छी हैं। नॉन वेज की तरफ अगर बात करूं तो फिश, फिश को बहुत अच्छा आंखों के लिए माना जाता जी है, जी सैल्मन फिश इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी जी एसिड्स, जी वो बहुत अच्छी है आइज के लिए। तो आप जी फिश का सेवन कर सकते हैं, अंडों का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते जी हैं, जी ये सब चीजों को अगर आप अपनी डाइट में डालते हैं तो हमारी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। जी जी ये मोतियाबिंद क्यों होता है, कैटरेक्ट जो होता है आंख में, इसके कारण क्या देखिए, रहते हैं? मोतियाबिंद के बड़े कारण हैं, एक तो एज ही उसका कारण है, जी जो आपको 90% मैं कहूँ, 80%, 90% जो आपको मिलता है मोतियाबिंद वो उम्र के हिसाब से होता है, जी दैट इज सिनाइल, जी तो उसको निकलवाना ही है। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, जैसे रेडिएशंस की वजह से हो जाता है, या कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, बहुत लंबे समय तक सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी जी जी मोतियाबिंद जी बन जी जाता है। तो उनको, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें उन चीजों का सेवन कम करना है, या इन चीजों से, जैसे रोशनी में रेडिएशंस का बहुत असर पड़ता है आंखों पर, उन चीजों से हमें बचना है। जी 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 इसके तो एक तो आपने बता दिया मोतियाबिंद, और भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं? हाँ, जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे रेडिएशन ओरिएंटेड या फिर ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब रोगों से बचने के लिए हमें कौन सी दवाइयों का सेवन करना चाहिए, या अपने लाइफस्टाइल में किस प्रकार हमें परिवर्तन लाना चाहिए? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ों को आप अपना सकते हैं अपनी डाइट में, ये चीज़ें अगर खाने के लिए आप डालते हैं, जो मैंने अभी खाने के लिए बताई, अगर वो डालते हैं तो आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। कुछ मैंने आपको विहार, यानी कि कुछ
लाइफस्टाइल चीज़ें बताई आपको, फॉर एग्जांपल वॉक करना या फिर पाँव की मालिश करना, देन सिर में मालिश करना, ये सब चीज़ें भी अगर आप करते हैं तो आप अपने आँखों के रोगों से बच सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था जी कि हम मोबाइल को रात को कितनी देर तक दे सकते हैं, क्या मोबाइल का भी असर पड़ता है हमारी आंखों बहुत पे? मैंने अभी तो आपको बोला कि ऑनलाइन तो क्लासेस की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं, रात हुई। को हम कब तक देख सकते हैं, कितना रात को देखना देखो, चाहिए? अंधेरे में मोबाइल को कभी नहीं देखना जी चाहिए जी अंधेरे में। आजकल बड़ा यंग जनरेशन क्या कर रही है, लाइट फाइट्स ऑफ की, रजाई पकड़ी और फोन चलाते जी रहे, जी भाई, ऐसा नहीं इसलिए होना चाहिए। जो बिल्कुल अंधेरे में जो एकदम रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो अपनी लाइट स्विच ऑन रखो, कोई भी डिजिटल मीडिया आप यूज़ करते हो, आप 20-20-20 रूल होता है जिसको हमेशा फॉलो करना जी चाहिए। जी उसमें आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर दूर अपनी स्क्रीन को रखना है, जी 20-20 सेकंड में अपनी पलकें झपकानी है। अगर आप पलकें झपकाते रहेंगे टेयर फिल्म डिस्ट्रीब्यूट होती है, उससे भी आंखें जो आंखों की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और तीसरा, आपको हर 20 मिनट में अपनी पोजिशन बदलनी है। लाइक अगर आप कॉन्टिन्यूसली 1 घंटे तक बैठे रहोगे ना तो आंखों पर असर पड़ेगा। आप 20 मिनट में उठो, जाओ पानी पी के आओ और फिर अपना काम करना शुरू कर दो। काम से तो नहीं बच सकते ना, कितनी कंपनीज तो चली ही इसी पे रही हैं। जी जी तो लेकिन इन चीजों का अगर वो ध्यान रखे, 20-20 रूल को अगर वो देखें, तो उससे हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते जी हैं। जी आँखों को बचाने के लिए, इनके रोगों से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में के किस प्रकार लेनी चाहिए देखिए, दिनचर्या? दिनचर्या भी मैंने आपको भी ये सब चीजें बताई, खान पान की चीजें भी बताई, विहार की भी, लेकिन कुछ योगिक एक्सरसाइजेस भी जी होती जी है। हाँ, उसके बारे में योगिक बताइए। एक्सरसाइजेस हैं कुछ जो स्पेसिफिकली आयुर्वेद में योगिक एक्सरसाइजेस बताई आँखों के गई लिए? हैं आंखों के लिए, जी कुछ जी आसन बताए गए हैं जी जिनका जी अगर आप डेली रूटीन में अगर आप उनको चलाते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। मैं एक एक करके बताऊंगी। जी जी जैसे सबसे पहले आप जैसे सुबह उठते हैं, जी सुबह उठते ही सबसे पहले आप अगर 7 बजे से पहले की सूरज की किरणों को अगर आप देखते हैं, जी देखिए आजकल क्या प्रचलन है सूरज को पानी देने का, इस जी चीज को भगवान की महत्ता से जोड़ा गया सो जी दैट कि इसको लोग फॉलो करें। जी जी पानी देते हैं सूरज की तरफ, हम देखते हैं वो ठीक हमारे लिए अच्छा होता है, जी लेकिन 7 बजे से पहले, दैट जी इज कॉल्ड सनिंग। जी उसके बाद आपको पाल्मिंग एक एक्सरसाइज होती है, आपके हाथों को इस तरीके से रब करना है, जी उस जी पाम की हीट को जो है आंखों पे एब्जॉर्ब करना है, कितनी बार दैट लगाना इज है? 5 to 10 times फाइव आप टू कर टेन सकते हैं। ठीक है दूसरी चीज ये होगी ब्लिंकिंग, पलकों को बार बार झपकाते रहें क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है। जी जी यूजुअली हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एक तरफ देखते जी जा रहे जी हैं, उससे भी दिक्कत आती है। तो जी जी ब्लिंकिंग जी ब्लिंकिंग करनी चाहिए। अब कुछ योगिक एक्सरसाइजेस जो बताई गई उसमें आपको क्या करना है, एक जनरल इजी वे में बताऊंगी ताकि दर्शकों के जी लिए जी भी इजी रहे और बच्चों के लिए भी इजी रहे। जी आपको जैसे अपने अंगूठे को अपने सामने रखना है एकदम से, जी तो कुछ पोजीशंस हैं जिस पोजीशंस में आपको अपने आईबॉल को घुमाना है। अपने गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अपने अंगूठे को जैसे बिल्कुल राइट की तरफ लेके गए, फिर वापस लेके धीरे धीरे ऐसे करना है, वैसे लेफ्ट साइड लेके गए फिर वापस लेके आए, इसके साथ इसी दृष्टि को तरीके भी घुमाना है, अपनी दृष्टि को? दृष्टि को ही जी घुमाना है, जी गर्दन को नहीं, अच्छा, बिल्कुल गर्दन अपनी को, आंखों को जैसे अंगूठे ऊपर को की तरफ देखते लेके हुए? गए अंगूठे जी को, जी जी वापस जी लेके आए, फिर नीचे की तरफ लेके गए, फिर वापस लेके आए। जी जी अब डायगनल, जी इस तरीके से डायगनल जी जी डायगनल, जी जी वैसे ही इस तरीके से, इस तरीके से, जी और जी लास्ट में जी सेंटर में रख के एक गोलाकार अवस्था में, जी जी सर्कमफ्रेंशियल, इस जी तरीके से क्लॉकवाइज और फिर एंटी जी क्लॉकवाइज। जी इससे क्या होता है ना, ये पोजीशन से आपकी पूरी आईबॉल की मूवमेंट्स हो जाती हैं, और ये आईबॉल की मूवमेंट से क्या होता है, हमारी जो आंखों की मसल्स होती हैं, देखो आजकल ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, आंख से पानी आ रहा है, आंखों में दर्द हो रही है, मुझे धुंधला दिखना शुरू हो गया, वो क्यों होता है, क्योंकि आंखों की पेशियां, मांसपेशियां जो होती हैं वो थक जाती हैं। जी जी लेकिन इन एक्सरसाइजेस को करने से क्या होता है, हमारी मसल्स टोन अप हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, और आपने बहुत जानकारी दी, लेकिन स्टूडी की घड़ी की जो सुइयां हैं ना, वो हमें और अनुमति नहीं दे रही हैं कि हम और चर्चा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नेत्र ज्योति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत लाभ।